हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइन एम्ब्रॉयडरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंच नॉट स्टिच बनाना सीखेंगे। उसे इस तरह से धागा पकड़िए और सुई में दो तीन या आंटी मार के इस तरह से हम सुई को नीचे से खींच लेंगे। ये देखिए, ये बन गए फ्रेंच नॉट स्टिच। फ्रेंच नॉट स्टिच बनाते वक्त आप ध्यान रखिए अपनी डिज़ाइन अगर बड़ी है तो ये आंटी दो 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 या तीन या चार, जैसे आपकी डिज़ाइन है उस तरह से रख सकते हैं आप। छोटी डिज़ाइन है तो दो आंटी मारिए, बड़ी डिज़ाइन है तो तीन मारिए, उससे भी बड़ी है तो चार आंटी मार के करिए। अगर आप जितनी आंटी बढ़ाती जाएंगे उतने स्टिच बड़ी होती जाएगी, आपका नॉट बड़ा होगा। ये देखिए इस तरह से ये बन गई नॉट स्टिच। ये है फ्रेंच नॉट स्टिच, आप देख सकते हैं ये कैसे दिख रही है। मैंने इसमें तीन आंटी मारी है क्योंकि ज़्यादा नहीं मारनी है, मेरी डिज़ाइन थोड़ी बड़ी है। आप अपनी तरह से आंटी मार सकते हैं, ये अपने हिसाब से हम इसकी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पे बड़ी डिज़ाइन है तो वीडियो के लास्ट में मैंने ये स्टिच भी बड़ी कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं, बड़ी बना सकते हैं ताकि आपको पता चले जो चाहिए इस डिज़ाइन में। ये फ्रेंच नॉट स्टिच से और कैसी कैसी डिजाइन बन सकती है उसके आइडिया के लिए, एकदम छोटी सी बन सकती है। ये धागा भी हम मोटा या पतला ले सकते हैं और आप इसमें ये धागा पतला या जाडा यूज कर सकते हैं। अगर डिजाइन बहुत ही छोटी है तो आप पतला धागा यूज कीजिए ताकि जो हमारी फ्रेंच नॉट है वो एकदम पतली हो, छोटी सी डिज़ाइन पे शूट होगी। देखिए बस इस तरह से कर लेना है, ये हो गए हमारे। ये देखिए ये मेरे फ्रेंच नॉट बन गए हैं। फाइन एम्ब्रॉयडरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।